क्वेश्चन नंबर 75, वर्किंग टुगेदर आशा एंड सुधा कैन कंप्लीट एन असाइंड टास्क इन 20 डेज. हाउएवर इफ आशा वर्क एट अलोन एंड कंप्लीट हाफ द वर्क एंड देन सुधा टेक्स ओवर द टास्क एंड कंप्लीट द सेकेंड हाफ ऑफ द टास्क will be completed in 45 days. How long will Asha take to complete the task if she worked alone? Assume that Sudha is more efficient than Asha. Math 2010 का क्वेश्चन है. टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 यूनिट्स का. ठीक है, कैसे होगा? आशा जो है, आशा इफ आशा वर्क कंप्लीट हाफ द वर्क एंड देन सुधा टेक्स ओवर द टास्क एंड कंप्लीट. आशा जो है ना, वो एक्स काम करती है, ठीक है, और सुधा जो है वो 45 माइनस एक्स करती है. ठीक है, टोटल दोनों काम तो द टास्क विल कंप्लीट इन 45 डेज. 45 डेज में तो टास्क कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, तो आज आशा एक्स करती है और सुधा एक्स 45 माइनस एक्स करती है. तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 हो जाएगी. ठीक है, और वन यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन यूनिट की हो जाएगी 10 अपॉन में एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में 1/3 यानी कि 30, और ये वन यूनिट का वर्क कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में 45 माइनस एक्स सुधा का, और ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2/3 यानी कि 15. ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 यूनिट्स. तो आशा प्लस सुधा, टाइम कितना हो जाएगा, 20 डेज. तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 की. तो जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 10 अपॉन में एक्स प्लस 10 अपॉन में 45 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब ऑप्शन से पुट कर देंगे, जिसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा. अगर हम पहला ऑप्शन लेके जाते हैं 25 डेज का, तो अगर हम 60 डेज का लेके चलते हैं तो क्या होगा, 10 अपॉन में 25 डेज का लेके जाएंगे तो नहीं होगा. ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा. 60 डेज का लेके चलते हैं, 10 अपॉन में 60 प्लस 10 अपॉन में 45 माइनस 60 माइनस में आएगा, तो ये चेंज हो जाएगा माइनस. और 15 हो जाएगा ये, और इक्वल्स टू 1 के बराबर. तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, 15 60 और 15 का एलसीएम 60, 10 माइनस 15 40 30 अपॉन में 60 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 के बराबर होगा. तो सुधा इज, क्वेश्चन में क्या बोला कि अज्यूम करना है कि सुधा इज मोर इफिशियंट देन आशा. तो सुधा इज मोर इफिशियंट देन आशा क्वेश्चन में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सी आंसर होगा.